हेलो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज फिर से हम लेट हैं, 9 बजे आए हैं क्योंकि थोड़ा परसेंटेज से बाहर गए थे, बट जिम कभी मिस नहीं था, तो 9 बजे आए हैं। आज भी बैक का वर्कआउट है यार, फिर से यार 1 घंटे में ख़त्म करना पड़ेगा मेरे को लगता है, बट ट्राई करेंगे। और एक एक सेट के बाद मैं कुछ बताता रहूँगा कि भले लेट आए हो पर जिम करना है, मिस नहीं करना, ठीक है, स्किप कभी नहीं करना। लेट्स गो। मैंने बोला था कि चलो वर्कआउट में तुम लोग से बात करूँगा, तो लैट पुल डाउन के 2 सेट्स ख़त्म हुए हैं। आके तुम लोग ने देखा होगा मैंने पुलअप्स किए स्टार्टिंग में। तो देखो भले मैं लेट आया हूँ पर हर एक वर्कआउट सेम इंटेंसिटी जैसे करता हूँ वैसे ही कर रहा हूँ। बीच का टाइम जो मैं ले रहा हूँ लाइक रेस्ट टाइम, वो कम लो, कोई नहीं इंटेंस बनाओ वर्कआउट को। एक दिन कम रेस्ट लोगे दो सेट्स के बीच में तो चलेगा, बट वर्कआउट मिस नहीं करना। या तो जल्दी में गंदे सेट्स नहीं मारने, एकदम प्रॉपर फॉर्म के साथ सेट्स मारो। ओके लेट्स गो। फुल इंटेंस है, 3 सेट में 10-10-10 मिले कमर रेस्ट लेके भी। लेट्स गो फॉर द सीटेड रोज। आज तो आगे लगाऊंगा भाई, भले मेरे लैट्स फट जाए। आज भी देख रहे हो कौन सा गाना बज रहा है भाई जिम में। यार माहौल बहुत सही रहता है, बट मैं क्या बोल रहा था कि कंसिस्टेंसी इज मैटर्स। भले मैं लेट आया हूँ लाइक अगर तुम्हारा जिम का टाइम है 6 बजे, तुम 7 बजे पहुँच रहे हो घर, तो ऐसा मत सोचो कि 1 घंटे पहले नहीं पहुँच पाया तो मैं वर्कआउट ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। या तो बस आज लेट हो गया है तो वर्कआउट नहीं जाना, जिम ब्रो नहीं है तो वर्कआउट नहीं जाना। जाना है मतलब जाना है, अकेले जाऊँगा, ज़्यादा सेट्स नहीं करूँगा, 4 सेट्स कर रहे हो 3 सेट्स करो, बन जाओ जिम, ठीक है। आज एग्जांपल सेट कर दिया मैंने कि भले मैं लेट आया हूँ बट सारे वर्कआउट्स प्रॉपरली करके जाऊँगा। ओके लेट्स गो। सब नंगे सिपाही देखो ये तो पूरा ऊपर निकाल ही देता है भाई, इसको शर्म ही नहीं है भाई, सब फ्लैक्स कर रहे हैं, हम भी फ्लैक्स करेंगे एक दिन भाई एक दिन हम भी फ्लैक्स करेंगे। अभी इन लोग का ही देखो।
के लिए ना मैंने ऐसा सुपर सेट जैसा लगा दिया, मतलब पहले ऐसे फोरम से कॉल करूँगा मेरे से जितना होगा उतना, उसके बाद 20 इसको क्या बोलते मेरे को नहीं पता, बट या वो करने के बाद ना मेरे फोरम ऐसे फटीक हो जाते हैं ना भाई। मैं फोरम के 4 सेट लगाता था, ये करने के बाद 3 ही लगते हैं, तो तुम लोग देख सकते हो आज फोरम सही जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे तो नहीं दिखेगी, मकली के जाले निकालेंगे, देखो इसको। 10:30 बज गए बट वी आर स्टिल इन जिम। भाई आर्म्स बाकी है, आज डेडलिफ्ट नहीं मारी क्योंकि टाइम नहीं है, और डेडलिफ्ट से तो ट्रेन करने के लिए नहीं मारता हूँ ईगो। तो ये देखो उस बेवड़े का एब्स बाकी है वो भी मार रहा है, हम भी मार रहे हैं पूरे जिम में, लास्ट तक हम दोनों ही बचते पता नहीं क्यों, वो तो टाइम वेस्ट करता है, ये वाला, ये साला बहुत टाइम वेस्ट करता है। या मैं लेट आता हूँ, मैं बहुत लेट आता हूँ, हाँ वो भी मेरे जैसा ही टाइम वेस्ट नहीं करता गाइस, वो भी मेरे जैसा ही है, जॉब ख़त्म करके आता है पर टाइम वेस्ट तो करता है इसको, पर मेहनत है साले की, मेहनत है, 2 बार टूटा है। पिछले 3 हफ्तों से मैं यहाँ पर खड़ा था 65 LBS के पाउंड पर, 29.5 kg, ये पड़ा हुआ आज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टाइम तो 75 जाएंगे नेक्स्ट टाइम। भाई ये ना इतने फटीक हो गए ना भाई, बहुत दर्द हो रहा है, हैवी, लेट्स गो वी डूड, माइलस्टोन कंप्लीट हुआ है, भले लेट आए पर माइलस्टोन कंप्लीट कर गए, लेट्स गो, वी आर रेडी टू गो। हाँ आज का वर्कआउट भाई ये देखो आ गया, टीनिंग करने, आज का वो दिखा शॉर्ट्स मिनी जिसमें तू है, ये करता हुआ साला, ऐसे नहीं गया था मैं, ऐसे गया था, ऐसे गया था तू, ऐसे पीछे पीछे गया था, ऐसे पीछे तू आगे कर रहा है, मैं पीछे गया था, कोई नहीं, दैट्स इट फॉर द ब्लॉग गाइस। आज देखो पंप फ्लैक्स करके जा लौटी थोड़ा, हाँ दैट्स इट फॉर द ब्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मज़ा आ गया आज का फोरम भाई, अपना माइलस्टोन कंप्लीट हो गया आज फोरम का, एक दिन इसको भी तोड़ेंगे धीरे धीरे, बट दैट्स इट फॉर द ब्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्लिप।